बॉलीवुड अदाकारा शहनाज गिल क्या वाकई में शादी करने जा रही हैं? एक तवील अरसे बाद उन्होंने इस हवाले से खामोशी तोड़ी है। एक नाम भी निकलकर सामने आया और उसके साथ उनकी तस्वीर भी मौजूद है और इस बात का उन्होंने ऐलान किया कि जनाब इस शख्स के साथ वो इस साल के आखिर में शादी कर लें। सलमान खान अपने प्रीमियर पर मौजूद थे, किसी का भाई किसी की जान, उसमें शहनाज गिल भी मौजूद है, उसमें वो शख्स भी मौजूद है जिसे शहनाज गिल शादी करने जा रही है। सिद्धार्थ के बारे में उस प्रीमियर के अंदर शहनाज गिल ने ऐसी बात बोली है जिससे हर कोई हैरान परेशान हो गया और उस शख्स के बारे में भी ऐसी बात बोली जिससे वो शादी करने जा रही हैं, तो लोगों की जानिब से तनकीद भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब शहनाज गिल सही कर रही है क्योंकि माजी भुला के आगे बढ़ना चाहिए। सलमान खान ने उस प्रीमियर में शहनाज गिल को क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद, मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब शहनाज गिल के बारे में जब भी कोई बात की जाती है उनके फैंस का पहला सवाल ये होता है कि क्या वाकई में शहनाज गिल शादी करने जा रही हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के बाद जो सारे मामला निकल कर आए थे, सिद्धनाज वाला जो मामला था उसके बाद शहनाज गिल के साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ वो एक अब पास्ट, एक माजी बन के रह गया। उसके बाद शहनाज गिल ने वापस जिंदगी की तरफ कदम रखा और शहनाज गिल के फैंस की तादाद ऐसा नहीं है कि जनाब ये कुछ हज़ारों में होगी, कुछ सौ में होगी, बल्कि लाखों और करोड़ों की तादाद में शहनाज गिल के फैन। शहनाज गिल के फैंस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि यकीन जानिए कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स शायद वो फैंस हासिल करने का सोचते होंगे, गुमान करते होंगे। शहनाज गिल ने कोई इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, उतनी कोई बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं, ज़्यादा हिट फिल्में नहीं दी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है और दिल से लोग उनका एहतराम भी करते हैं। एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो अजान का एहतराम कर रही हैं तो लोगों के दिल जीत लेती हैं, उनको पता है कि जनाब सोशल मीडिया में किस तरह से वायरल रहना है। अब शहनाज गिल के वाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सिद्धार्थ के बाद अब शहनाज गिल किससे शादी करने जा रही हैं और खुद इस बात का ऐलान कर चुकी हैं और अभी किसी का भाई किसी की जान जो एक सलमान खान की मूवी आने जा रही है, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ था, उस ट्रेलर की रिलीज के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। उस तकरीब के अंदर सलमान खान भी मौजूद थे, शहनाज गिल भी मौजूद थी और वो शख्स भी मौजूद था जिससे शहनाज गिल ने यह ऐलान किया कि जनाब वो शादी करने जा रही है। अब जनाब वो शख्स कौन है? उसका नाम है राघव जुएल। अभी कौन है यार राघव जुएल? कौन, इतनी कोई बड़ी शख्सियत तो है नहीं। राघव जुएल एक डांसर है जनाब, डांसर भी हैं, एक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और साथ साथ इनको स्लो मोशन डांस का किंग कहा जाता है। स्लो मोशन जब ये डांस करते हैं तो उसका किंग कहा जाता है। 31 साल इनकी एज है, बॉलीवुड में इतना ज़्यादा उन्होंने नाम नहीं कमाया लेकिन किसी का भाई किसी की जान जो सलमान खान की मूवी है उसमें ये भी हैं और शहनाज गिल भी हैं। सलमान खान ने इत्तेफाकिया तौर पर से सलमान खान के बारे में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो अक्सर लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से बड़े अच्छे किस्म के आप समझ लें कि रिव्यूज़ देते हैं या फिर उनको मशवरे देते हैं। शहनाज गिल के साथ क्या कुछ नहीं हुआ ये सबको पता है। शहनाज गिल, सिद्धनाज, ये वर्ड था सिद्धनाज जो कि सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किया गया, सबसे ज़्यादा इसको सर्च किया गया, उसकी वजह ये थी कि सिद्धार्थ के फैंस काफ़ी ज़्यादा थे। सिद्धार्थ ने बिग बॉस जीता भी था, सिद्धार्थ एक अपकमिंग स्टार भी था, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, उसका फैन सर्कल बहुत ज़्यादा था, फैन बेस उसका बहुत बड़ा था, लाखों करोड़ों में उसके मद्दा थे, बड़ा स्माइलिंग किस्म का उसका फेस था, इनोसेंट फेस था और इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी यानी शहनाज गिल और सिद्धार्थ की वो बिग बॉस के साथ साथ उसके बाद आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आई। लेकिन फिर जनाब लोगों को हैरानी हुई, परेशानी हुई कि एक रात सिद्धार्थ सबको रोता छोड़ के दुनिया से चला गया। अच्छा उसके फैंस अफसुदा तो थे ही भाई, दुनिया से चला जाता उसका पसंदीदा स्टार, उसके फैन जो ना काफ़ी ज़्यादा रंजीदा तो थे, गमजदा तो थे, लेकिन जब उन्होंने शहनाज गिल को आखिरी रसूमात में देखा ना तो जिस हद तक वो टूट चुकी थी, जिस हद तक वो परेशान थी, जिस तरह से वो आंसू बहा रही थी, जिस तरह से वो मुकम्मल तौर पर टूटी हुई नजर आ रही थी, तो लोगों की सिंपैथी, उनके इमोशंस उसके साथ जुड़ते चले गए। शहनाज गिल ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास कारनामा नहीं किया जिसकी वजह से उनके फैंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन सिद्धार्थ की वजह से, सिद्धनाज की वजह से शहनाज के फैंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले गए। फिर हमने देखा जनाब बिग बॉस गालिबन 16 था या 15 था जिसमें फाइनल में ट्रिब्यूट पेश किया गया था सिद्धार्थ को और उसमें शहनाज गिल मौजूद थी, उसमें सलमान खान भी मौजूद थे और वो सारे मामला थे। फिर बीच में बहुत सारे इशूज़ आए, शहनाज गिल रहा करती थी सिद्धार्थ के कमरे में, काफ़ी तवील अरसे तक वो वहाँ पर रहीं। उनकी जो वालदा हैं सिद्धार्थ की, रीटा शुक्ला, उनके से काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात शुरू होना, आगे बढ़ना शुरू हो गए थे क्योंकि अक्सर जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो उनसे मिलने के लिए आया करते थे। अब एक ऐसा घर
जहाँ का एक जवान बेटा दुनिया से चला गया हो, आप समझ सकते हैं कि उस घर के अंदर क्या माहौल होगा, क्या मामला होंगे। रीटा शुक्ला ने सलमान खान तक को भी ये बात कह दी थी कि कोई मेरे बेटे का नाम लेके उसको सेलेब्रिटी के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी फेम के लिए, अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल ना करे, यानी सिद्धार्थ का नाम लेके अपनी बड़ाई बयान ना करे, और अगर आप बयान करेंगे तो फिर आपको कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा। सलमान खान के साथ मामला के चक्कर में शहनाज गिल ने रीटा शुक्ला और उनके घर वालों से बिगाड़ ली। रीटा शुक्ला नहीं चाहती थी कि शहनाज गिल जो है वो बिग बॉस में जाएं और ट्रिब्यूट पेश करें। उसकी वजह यह है कि यार एक बंदा चला गया है, अब वो बंदा चला गया वापस नहीं आएगा, उसको ट्रिब्यूट आप पेश कर देंगे, लेकिन उसको ट्रिब्यूट पेश करने से आपकी अपनी मशहूरियत होगी। तो रीटा शुक्ला के तहफ़ात तमाम चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल बजा थी, लेकिन शहनाज गिल ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया। उन्होंने कहा नहीं जना, सलमान खान से मुझे बिगाड़न ही नहीं है, सलमान खान के साथ रबता रखना है। उसकी वजह ये है कि बॉलीवुड में अगर उन्होंने कदम जमाना है तो सलमान खान के साथ आपने हर हाल में बना के रखनी। फिर पिछले साल जब ईद थी तो ईद की ईद मिलन पार्टी में शहनाज गिल को बाकायदा बुलाया गया था, और जब वो वहाँ पर आई थी तो किस तरह के मामला थे, बाकायदा किस तरह से बातें हो रही थी, सलमान खान उनको बाकायदा छोड़ने के लिए गए, शहनाज गिल ने किस तक किया उनको, ये तमाम चीज़ें मीडिया के सामने आ चुकी थी। लेकिन अब ये राघव एक नया नाम निकलकर सामने आया है, काफ़ी अर्से से एक दूसरे को ये डेट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जनाब ये अनकरीब शादी कर लेंगे। सलमान खान ने भी इस बात पर कहा शहनाज गिल को कि आप माजी को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा, सिद्धार्थ के जो फ़ैन थे ना वो डाई हार्ड किस्म के फ़ैन, वो हद से ज़्यादा लगाव रखते थे सिद्धार्थ से, काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे। और शहनाज गिल अपनी ज़िंदगी में वापस आती हैं, बॉलीवुड में वापस आती हैं, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो तहफ़ुज़ात रखते थे। लेकिन ये तहफ़ुज़ात ज़ाहिर सी बात है उनके बजा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जनाब एक इंसान दुनिया से चला जाता है, उससे प्यार करने वाला, ज़ाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाती, उसको भी आगे बढ़ना है, उसको भी ज़िंदगी अपने आगे चलानी है। अब शहनाज गिल जब बॉलीवुड में आ रही हैं, तमाम चीज़ें कर रही हैं, गाने पर डांस कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, सलमान खान के साथ पिक्चर्स बनवा रही हैं, तो सिद्धार्थ की जो फैंस हैं ना वो खायफ बैठे हैं इन चीज़ों से कि भाई नाराज़ है, नहीं करना चाहिए। अब जब इन्होंने शादी की खबर लेकर आई हैं तो अब क्या मामलात होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। तो इस हवाले से आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश ज़रूर है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।